साल 1928, भारत के कश्मीरी क्षेत्र में स्थित कृष्णगिरी पर्वत पर एक भयानक बर्फीले तूफान के बीच एक माउंटेनियर यानी पर्वतारोही फंसा हुआ था। बर्फीले तूफान की वजह से चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। तभी उस माउंटेनियर को उसके टेंट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर एक चमकदार रोशनी दिखती है। उस रोशनी को देख वो माउंटेनियर उस भयानक तूफान का सामना करता हुआ उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। काफी मशक्कतों के बाद जब माउंटेनियर वहां पहुंचा तो उसे वहां एक चमकदार गोलाकार चीज दिखी। जिज्ञासु माउंटेनियर ने जब उस चीज को अपनी कुदाल से फोड़कर देखा तब एकाएक वहां से तेज रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि माउंटेनियर वहीं अपने होश खो बैठता है। कुछ समय बाद जब माउंटेनियर होश में आया तब उसने देखा कि वो चमकदार गोला वहां नहीं था। उसने चारों ओर अपनी नजर घुमाई लेकिन उसे वो गोला कहीं नहीं दिखा। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था। वो निशान देखकर वो माउंटेनियर सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था। और इसी के साथ ये कहानी अपने वर्तमान समय में आ जाती है जहां हम मिलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी की एक प्रख्यात प्रोफेसर हेलन बेंसन से। हेलन एक विधवा है और वो अपने सौतेले बेटे जेकब के साथ रहती थी। यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर खत्म करके हेलन अपने घर पहुंची ही थी कि तभी उसे एक अनजान शख्स का फोन आता है। उस अनजान शख्स ने हेलन को बताया कि जल्द ही उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला है। हेलन हैरानी से उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे हेलन से क्या चाहिए। हालांकि उस अनजान शख्स ने उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि रास्ते में उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर तभी उसके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज हुई। जब हेलन ने दरवाजा खोला तो बाहर कई सारी पुलिस वालों की गाड़ियों का ताफा खड़ा था। एक सूट पहना ऑफिसर हेलन को बिना कोई सवाल किए चुपचाप उनके साथ चलने के लिए कहता है। कश्मकश से घिरी हेलन को न चाहते हुए भी अपने बेटे जेकब की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी के हाथों में सौंप कर पुलिस वालों के साथ जाना पड़ता है। हेलन ने पुलिस वैन में भी पुलिस वाले से पूछने की कोशिश की कि वे सब कहां जा रहे हैं पर वो पुलिस वाला भी उसे सिर्फ इतना कहता है कि वो लोग जहां जा रहे हैं वहां पहुंचने के बाद हेलन को उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलन के काफी जोर देने पर आखिरकार वो पुलिस वाला उसे सिर्फ इतना बताता है कि देश में कोई संकट आया है और उसी के बारे में चर्चा विमर्श करने के लिए उसे वे लोग ले जा रहे हैं। वे पुलिस वाले हेलन को US मिलिट्री के एक बेस पर ले आते हैं और उसे एक प्लेन में बिठा देते हैं जहां उसकी ही तरह अलग अलग फील्ड के और भी प्रख्यात वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। वे सब भी इसी असमंजस से घिरे होते हैं कि आखिर उन्हें जबरदस्ती कहां ले जाया जा रहा है। वो प्लेन उन्हें एक मिलिट्री एकेडमी में लेकर जाता है। सबको प्लेन से बाहर निकलते ही कड़ी हिदायत दी जाती है कि वे लोग सेलफोन और कैमरा अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन अपने बेटे जेकब की खोज खबर लेते रहने के लिए हेलन अपना फोन अपने पास ही छुपा कर रखती है। वहां हेलन की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त माइकल से होती है। माइकल नासा का एक वैज्ञानिक था। दरअसल माइकल ने ही सारे वैज्ञानिकों को और खास तौर पर हेलन को वहां बुलवाया था। माइकल उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है जहां बाकी वैज्ञानिक भी मौजूद थे। माइकल उन सारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक विनाशकारी खतरे से अवगत कराता है। माइकल बताता है कि हाल ही में उनके स्पेस गार्ड प्रोग्राम से जुड़े हुए लोगों को जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट पर एक अजीब सा ऑब्जेक्ट नजर आया है। वैसे तो अंतरिक्ष में कई सारे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर उनका ध्यान इसलिए गया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की घूमने की चाल बाकी ऑब्जेक्ट से काफी अलग थी। जहां बाकी ऑब्जेक्ट स्पेस में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो वहीं ये ऑब्जेक्ट हाइपरबॉलिक ऑर्बिट में घूम रहा था, जैसे कि इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर शूट किया गया हो। और ये ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर ही बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट की चाल को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया है कि ये ऑब्जेक्ट अब से 78 मिनट के भीतर ही अमेरिका के मैनहट्टन शहर से टकरा जाएगा, जिससे इतनी भीषण तबाही मचेगी कि पूरे शहर का विनाश हो जाएगा। ये पता चलते ही वहां मौजूद सारे वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि मैनहट्टन शहर उनके शहर से नजदीक ही था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी तेज गति से बढ़ रहे उस ऑब्जेक्ट पर मिसाइल छोड़कर भी उसे रोका नहीं जा सकता था। वैसे तो अब तक सरकार ने पूरे शहर को खाली कराने का काम भी शुरू कर दिया था
लेकिन ये तबाही कितनी भीषण होगी किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सरकार के लिए इस बात की गोपनीयता को बनाए रखना जरूरी था ताकि देश में अफरा तफरी का माहौल न बनाए। इसलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में आने से पहले ही सभी वैज्ञानिकों के मोबाइल फोन्स और कैमरास जब्त कर लिए थे, पर हेलन ने अपना फोन अपने पास ही छुपा कर रखा था। वो बाथरूम में जाकर जेकब को कॉल करती है और उसे बेसमेंट में जाकर छिपने के लिए कहती है। हालांकि जेकब उसकी बातों को टालने की कोशिश कर रहा था, हेलन उसके साथ कुछ देर और बात करना चाहती थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसके बाद वो जेकब से कभी बात कर भी पाएगी या नहीं। हालांकि जेकब फोन काट देता है। जेकब सौतेला बेटा होते हुए भी हेलन ने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह चाहा था। इसके बावजूद जेकब की हेलन के प्रति राय इससे ठीक विपरीत थी। उसने कभी हेलन को अपनी माँ नहीं समझा। तभी कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। दरअसल एक महिला ऑफिसर ने हेलन को बात करते हुए सुन लिया था। वो महिला ऑफिसर हेलन का फोन जब्त कर लेती है। हालांकि आगे जो कुछ भी होने वाला था उस वजह से महिला अफसर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके बाद सारे वैज्ञानिकों को उस जगह के करीब ले जाया जाता है जहां वो ऑब्जेक्ट गिरने की संभावना थी। उस ऑब्जेक्ट के धरती से टकराने में अब सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे थे। ये देख एक वैज्ञानिक कहता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यानी कि लाइट स्पीड के 10वें भाग जितनी स्पीड से पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को उस ऑब्जेक्ट पर मिसाइल छोड़कर उसे रोकने का एक प्रयास करना चाहिए। लेकिन तभी वहां मौजूद एक ऑफिसर कहता है कि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि किसी ने उनके सारे मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है। इसी बीच अब उनके पास सिर्फ 6 सेकंड का ही समय बचा होता है। ये देख मौत के डर से उन सभी के जिस्म में कंपकपी सी दौड़ उठती है। लेकिन तभी पृथ्वी पर आते ही उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार एकाएक धीमी हो जाती है। ये देख सारे वैज्ञानिक भौचक्के रह जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि सूर्य की भांति रोशनी उत्सर्जित करता हुआ वो ऑब्जेक्ट धीमी गति से सतह की ओर चला आ रहा था। तभी एक खाली मैदान पर उसे देखने आए लोगों के बीच वो ऑब्जेक्ट लैंड कर जाता है, जिसकी तेज हवा से कुछ लोग घायल जरूर होते हैं लेकिन किसी की भी जान नहीं जाती। इतने में ही सारे मिलिट्री के ऑफिसर अपने हथियारों और टैंक्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को घेर लेते हैं। फिर वे हेलन और बाकी वैज्ञानिकों के साथ उस ऑब्जेक्ट का मुआयना करने उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान धुएं के बादल छटते ही हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट तो फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए उसी पारदर्शी गोले का एक बड़ा रूप था जिसके अंदर बादलों के विशाल बवंडर नजर आ रहे थे। दरअसल ये एक एलियन स्पेसशिप था। एकाएक उसमें तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बीच से एक एलियन बाहर की ओर चलकर आने लगता है। उसे देख बाकी लोग तो डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन हेलन हिम्मत दिखाती हुई उस एलियन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो एलियन हेलन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, पर इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर पाते पीछे से एक सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। हेलन तुरंत फायरिंग रोकने के लिए कहती है और मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम करने का आदेश देती है। लेकिन तभी उस एलियन शिप से एक विशालकाय एलियन रोबोट बाहर निकलता है जिसका पूरा शरीर धातु का था और उसकी आंखों से लेजर की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। देखते ही देखते वो रोबोट उस शहर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को निष्क्रिय कर देता है और अचानक कान के पर्दे फाड़ देने वाली तेज आवाज निकालता है जो वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में नुकीली सुई की तरह चुभने लगती है। फिर वो रोबोट अपने साथी एलियन को वापस ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो जख्मी एलियन उसे अपनी भाषा में कोई निर्देश देता है जिसे सुनकर वो रोबोट एकाएक वहीं स्तंभ की तरह जम जाता है और शहर की बिजली भी वापस आ जाती है, जिसे देख मिलिट्री के ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये एलियंस उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए वे लोग उस जख्मी एलियन का इलाज करने उसे मिलिट्री के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां एलियन की बिगड़ती हालत को देखकर हेलन तुरंत उन्हें किसी सर्जन को बुलाने के लिए कहती है। कुछ ही वक्त में एक सर्जन वहां आता है। वो सर्जन जब गोली निकालने के लिए उसकी चमड़ी काटता है तब उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। सर्जन बताता है कि उस एलियन की ऊपर की चमड़ी किसी व्हेल मछली की चर्बी की तरह है और उस चर्बी के अंदर एक इंसानी शरीर है। वो सर्जन जैसे ही एलियन की ऊपरी परत पर चीरा लगाता है वैसे ही आश्चर्यजनक रूप से उसकी ऊपर की परत अपने आप ही निकलने लगती है, जिसे देख सर्जन चकित रह जाता है।
धीरे धीरे उस एलियन की सारी ऊपरी परत निकल जाती है और उसके अंदर से नवजात बच्चे की तरह दिखने वाला एक एलियन बाहर निकलता है, जिसे देख सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में वो एलियन एक वयस्क इंसान के रूप में विकसित हो जाता है। फिर जैसे ही उस एलियन की आंख खुलती है, वो छटपटाने लगता है। तभी हेलेन वहां आती है और उससे कहती है, डरो मत, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर वो एलियन एकाएक शांत हो जाता है और हेलेन के कहे शब्दों को दोहराता है, जिसे सुन हेलेन हैरान रह जाती है। उधर दूसरी ओर सरकार द्वारा शहर को जल्द से जल्द खाली करवाने का काम जारी था। इसकी देखा देखी दूसरे देशों में भी लोग इस डर से बड़े शहरों को छोड़कर जाने लगे थे कि कहीं वो एलियन शिप उनके शहर पर भी आक्रमण न कर दे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था, इसलिए उनकी गैर हाजिरी में अमेरिका की रक्षा मंत्री उनका सारा कार्यभार संभालने वाली थी। एक ऑफिसर रक्षा मंत्री को बताते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। एलियंस ने उस सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले लिया था। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि पृथ्वी पर केवल एक नहीं बल्कि कई और भी एलियन शिप अलग अलग जगहों पर उतरे थे। यहाँ तक कि इस वक्त कई सारे एलियन शिप्स तो पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये सुनकर रक्षा मंत्री दंग रह जाती है। रक्षा मंत्री के मुताबिक ज्यादा फिक्र की बात उस सैटेलाइट से संपर्क टूटना था, क्योंकि वो कोई आम सैटेलाइट नहीं थी। वो सैटेलाइट सीधे अमेरिका के डिफेंस मेन फ्रेम से कनेक्ट था। उस सैटेलाइट को हैक करके एलियंस ने गवर्नमेंट की सारी गुप्त जानकारियों को चुरा लिया था और उस सैटेलाइट की मदद से ही उन्होंने सभी मिसाइल्स को निष्क्रिय कर दिया था। अब एलियंस के पास गवर्नमेंट की हर छोटी से बड़ी जानकारी मौजूद थी। इसी बात से रक्षा मंत्री ये अंदाजा लगाती है कि वे एलियन जरूर पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने आए हैं। इस बात की पुष्टि करने वो सीधे उसी एलियन के पास जाती है, जिसका इस वक्त मिलिट्री के अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां डॉक्टर के साथ साथ हेलेन भी मौजूद थी। वे दोनों रक्षा मंत्री को उस कमरे में लेकर जाते हैं जहां वो एलियन मौजूद था। हैरानी की बात थी कि वो एलियन मूवी की शुरुआत में दिखाए गए माउंटेनियर की तरह ही दिखता था। डॉक्टर रक्षा मंत्री को बताता है कि उस एलियन का शरीर 3 अलग अलग डीएनए से मिलकर बना था। जहां उसका दिमाग किसी एलियन डीएनए से बना था, तो वहीं उसका शरीर फिल्म की शुरुआत में दिखाए उस माउंटेनियर के डीएनए से बनाया गया था। उस वक्त एलियंस ने उसके हाथ से उसका डीएनए सैंपल ले लिया था और उसी डीएनए की मदद से ही एलियंस ने इस शरीर को बनाया था। यही वजह थी कि उस एलियन की शक्ल उस माउंटेनियर से मेल खाती थी। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जिंदा रहा जा सके। जब वो एलियन धरती पर उतरा, तब वो नवजात स्थिति में था। उसने एक तरह का बायो इंजीनियर्ड स्पेस सूट पहना हुआ था, जो उसके लिए एक भ्रूण का कार्य कर रहा था। उसके बाद जब वो अपने भ्रूण से बाहर आया, तो वो आश्चर्यजनक रूप से 6 घंटे के भीतर ही नवजात बच्चे से एक वयस्क इंसान में बदल गया। उस एलियन की ये विचित्र खूबियां सुनकर रक्षा मंत्री भी दंग रह जाती है। वो बगैर समय गवाए उस एलियन के पास जाती है। रक्षा मंत्री जानती थी कि एलियंस ने उनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हैक करके उनकी भाषा भी सीख ली है, इसलिए वो अपनी ही भाषा में उससे पूछती है कि वो कौन है, आखिर वो किस एलियन सभ्यता से यहाँ आया है और उसके यहाँ आने का आखिर क्या मकसद है। इस पर एलियन बताता है कि उसका नाम क्लाटू है। वो आगे कहता है कि इस दुनिया में ढेरों ऐसी सभ्यताएं हैं जो अभी भी इंसानों की पहुंच से परे हैं। वो उन्हीं में से एक सभ्यता से ताल्लुक रखता है और आज वो अपने समूह से जुड़े सारे एलियन सभ्यताओं की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आया है। क्लाटू ये भी जानता था कि पृथ्वी पर सारे बड़े देश यूनाइटेड नेशन संगठन के तहत जुड़े हुए हैं, इसलिए वो रक्षा मंत्री से यूनाइटेड नेशन की एक बैठक बुलाने का अनुरोध करता है, ताकि वो सारे पृथ्वी वासियों को अपने पृथ्वी पर आने का मकसद बता सके। लेकिन रक्षा मंत्री क्लाटू के इस अनुरोध को खारिज कर देती है और कहती है कि क्लाटू उसके अलावा और किसी से बात नहीं कर सकता। वो उससे पूछती है कि आखिर क्लाटू हमारे प्लेनेट पर क्यों आया है। इस पर क्लाटू हैरानी से रक्षा मंत्री की ओर देखता है और कहता है, ये प्लेनेट तुम लोगों का नहीं है। क्लाटू की ये बात सुनकर रक्षा मंत्री को डर सताने लगता है कि कहीं ये एलियंस उन पर हुकूमत करने के मकसद से यहाँ ना आए हों। इसलिए वो डॉक्टर्स को निर्देश देती है कि वे क्लाटू से पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए पूछताछ करें, जिसके लिए उसे जल्द से जल्द नशीली ड्रग दी जाए।
हालांकि माइकल को क्लाटू से जबरदस्ती पूछताछ करना उचित नहीं लग रहा था, इसलिए वो रक्षा मंत्री के फैसले की निंदा करते हुए ये काम करने से मना कर देता है। लेकिन तभी हेलेन कहती है कि वो क्लाटू को ड्रग का इंजेक्शन देने के लिए तैयार है। ये कहकर हेलेन मेडिसिन लेने एक कमरे में जाती है और बड़ी ही चलाकी से नींद की दवाई के साथ सलाइन वाटर की बोतल भी उठा लेती है। उधर क्लाटू रक्षा मंत्री से खुद को आजाद करने के लिए ये कहता हुआ अनुरोध करता है कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है, लेकिन रक्षा मंत्री कहती है कि वो उसे तब तक आजाद नहीं करेगी जब तक क्लाटू उन्हें पृथ्वी पर आने की वजह नहीं बताएगा। इतने में ही हेलेन वहां आ जाती है। वो चुपके से इंजेक्शन में ड्रग की जगह सलाइन भरकर क्लाटू को इंजेक्ट कर देती है और उसके कान में मौका मिलते ही वहां से भाग निकलने के लिए कहती है, पर क्लाटू उसकी बात समझ पाता। उससे पहले ही मिलिट्री के सोल्जर क्लाटू को एक व्हीलचेयर से बांधकर इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। उस रूम के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए थे। वहीं रूम के अंदर एक डॉक्टर क्लाटू पर अपने इक्विपमेंट्स लगाकर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू कर देता है। क्लाटू से डॉक्टर का सबसे मुख्य सवाल यही था कि क्लाटू के पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है, पर क्लाटू उस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपनी शक्ति से पॉलीग्राफ मशीन पर कंट्रोल कर लेता है। डॉक्टर जैसे ही उस मशीन को छूता है वैसे ही उसे एक झटका सा लगता है और वो क्लाटू के वश में हो जाता है। क्लाटू उससे बाहर निकलने का रास्ता और मुख्य दरवाजे का सिक्योरिटी कोड पूछ लेता है। फिर वो अपनी अनोखी शक्तियों के दम पर बिजली के तारों में भी घुस जाता है और सीसीटीवी कैमरे में घुसकर रूम के बाहर तैनात सारे गार्ड्स को देख लेता है। इसके बाद वो अपनी शक्ति से उन गार्ड्स के कानों में लगे ईयरपीस पर एक तेज आवाज छोड़ता है जिससे वे सभी कुछ देर तक जमीन पर पड़े तड़पने लगते हैं। इसी बीच क्लाटू डॉक्टर का सूट पहनकर वहां से भाग निकलता है। कुछ ही क्षण बाद जब मिलिट्री के ऑफिसर्स को सीसीटीवी कैमरे के जरिए क्लाटू के भागने की खबर मिलती है, वे उसे पकड़ने के लिए शहर के हर चप्पे चप्पे पर अपनी सेना तैनात कर देते हैं। उधर दूसरी ओर क्लाटू रेलवे स्टेशन पहुंच गया था जहां वो वेंडिंग मशीन में पैसे डाले बगैर उसे छूकर ही अपने लिए खाना बाहर निकाल लेता है। तभी एक मासूम बच्चा बड़ी ही हैरानी से क्लाटू के इस कारनामे को देखने लगता है। वहीं क्लाटू के नजरों के सामने ही एक चोर एक बीमार बुजुर्ग से छीना झपटी करके भाग जाता है। इस तरह क्लाटू इंसानियत के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलुओं पर गौर करने लगता है। इसी बीच क्लाटू देखता है कि उसकी गोली की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी जिस कारण उस पर से खून निकलने लगा था। क्लाटू इंसानी शरीर की इस अवस्था को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो एकाएक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर दूसरी ओर हेलेन अपने बेटे जेकब के साथ घर पर होती है। जेकब टीवी पर न्यूज देख रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एलियंस के आने से देश में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और सारे देश के नेता अमेरिकी सरकार के फैसले से नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि उन्होंने एलियन की यूनाइटेड नेशन से बात करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसी दौरान हेलेन को रेलवे पुलिस का एक कॉल आता है। वे लोग हेलेन को बताते हैं कि उसका एक मरीज रेलवे पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। वो कह रहा है कि हेलेन के पास उसकी कोई दवाई है। ये सुनकर हेलेन समझ जाती है कि ये मरीज और कोई नहीं बल्कि क्लाटू ही है। वो जेकब को लेकर तुरंत रेलवे स्टेशन जाती है जहां क्लाटू उसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि कोई क्लाटू को पहचान ले, हेलेन तुरंत उसे अपनी कार में बिठा देती है और क्लाटू को उसके बताए रास्ते पर ले जाने लगती है। तभी क्लाटू हेलेन से अपनी बायो इंजीनियरिंग स्पेस सूट का वो सैंपल मांगता है जो हेलेन ने घर जाते वक्त लैब से चुरा लिया था। असल में वही चीज क्लाटू की दवाई थी जिसे अपने घाव पर लगाते ही क्लाटू का घाव अपने आप ही भर जाता है। ये देख हेलेन हक्की बक्की रह जाती है। उधर दूसरी ओर अमेरिकन मिलिट्री उस एलियन स्पेसशिप को तबाह करने के लिए मिसाइल से लैस अपने दो रिमोट कंट्रोल प्लेन्स भेजते हैं। वे मानव रहित प्लेन्स जैसे ही टारगेट पर मिसाइल छोड़ते हैं तभी उस एलियन गोले की सुरक्षा में तैनात एलियन रोबोट अपनी आंखों से लेजर छोड़कर उन मिसाइलों को ध्वस्त कर देता है। इसके बाद वो उन प्लेन्स को भी कंट्रोल करके उन्हें मिलिट्री के टैंक्स पर क्रैश कर देता है। ये देखकर सारे मिलिट्री के लोग बहुत चक्के रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लाटू कार को एक कैफे के सामने रोकता है और किसी का इंतजार करने लगता है। वहीं क्लाटू की सच्चाई से अनजान जेकब एलियंस के पृथ्वी पर आने से बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे इस बात से भी गुस्सा आ रहा था कि गवर्नमेंट एलियन से लड़ने के बजाय शहर खाली करने में जुटी हुई थी।
वो इस पर क्लाटू से उसकी राय पूछता है। इस पर क्लाटू कहता है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जेकब इस पर कहता है कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो वो बेशक एलियंस को मार भगाते। इतना कहकर जेकब वॉशरूम चला जाता है। जेकब के मुंह से उसके पिता द्वारा एलियंस को मार भगाने वाली बात सुनकर क्लाटू दंग रह गया था। उसे लग रहा था कि जेकब के पिता जरूर कोई काफी शक्तिशाली सोल्जर रहे होंगे। हालांकि हेलन जेकब की बात को झुठलाते हुए कहती है कि जेकब अभी बच्चा है और जैसे हर बच्चे के लिए उसके पिता हीरो होते हैं, वैसे ही जेकब के लिए भी उसके पिता किसी हीरो से कम नहीं थे। पर असल में जेकब के पिता कोई लड़ाकू सोल्जर नहीं थे, बल्कि वे तो बस सिर्फ मिलिट्री में काम करने वाले एक इंजीनियर थे जिनका लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हेलन आगे क्लाटू को बताती है कि जब जेकब बहुत छोटा था तब उसकी माँ गुजर गई, तभी हेलन ने उसके पिता से शादी कर ली, लेकिन इसके एक साल बाद ही जेकब के पिता की मौत हो गई। हेलन अब तक क्लाटू का साथ तो दे रही थी, लेकिन उसे भी क्लाटू के वहां आने की वजह नहीं पता थी। इसीलिए वो क्लाटू से पूछती है कि वो आखिर किस मकसद से यहाँ आया है। जवाब में क्लाटू बस इतना कहता है कि वो पृथ्वी को बचाने आया है। इतने में ही उसका साथी वहां आ जाता है और वे लोग कैफे के अंदर चले जाते हैं। क्लाटू का साथी एक बूढ़ा चाइनीज आदमी था जो अपने पोते के साथ वहां आया था। असल में वो बूढ़ा क्लाटू की तरह ही एक एलियन था और वो आज से 70 साल पहले धरती पर आया था। हालांकि उसका पोता भी इस बात से अनजान था कि वो एक एलियन है। इंसानों के बीच रहकर उस बूढ़े एलियन ने इंसानों के अच्छे और बुरे हर पहलुओं को अच्छी तरह से समझा और परखा था। वो क्लाटू को बताता है कि ये इंसान हमेशा धरती पर तबाही मचाते आए हैं। इंसान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ भी है कि उनकी वजह से ये पृथ्वी खतरे में पड़ती जा रही है और बाकी जीव जंतु भी विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसानों की फितरत में बदलाव नहीं आ रहा, जो कि उनके लिए एक चिंताजनक बात है। यहीं पर क्लाटू अपने धरती पर आने के मकसद का खुलासा करता है। दरअसल एलियंस पृथ्वी को बचाने तो आए थे, लेकिन किसी बाहरी खतरे से नहीं बल्कि इंसानों से। वे पृथ्वी से इंसानों का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते थे ताकि ये पृथ्वी दोबारा पहले जैसी हरी भरी हो सके। उस बूढ़े का काम अब पृथ्वी पर खत्म हो चुका था, इसलिए क्लाटू उसे वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि कहीं इंसानों के साथ साथ वो भी ना मारा जाए। लेकिन तभी वो बूढ़ा एलियन क्लाटू को बताता है कि भले ही इंसान कितने भी आक्रमणकारी क्यों ना हो, लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी है और वो है प्यार। उनके प्यार ने उस एलियन का दिल भी जीत लिया था, लेकिन वो बूढ़ा एलियन जानता था कि क्लाटू प्यार की भावना को कभी नहीं समझेगा और वो अपने मकसद से भी पीछे नहीं हटने वाला था। इसलिए वो बूढ़ा एलियन इंसानों के साथ पृथ्वी पर रहकर ही मरने का फैसला कर लेता है। हेलन और जेकब अब तक इस बात से अनजान थे, इसलिए हेलन क्लाटू को उसकी बताई जगह पर ले जाती है। इसी बीच पुलिस क्लाटू की तलाश में हर जगह पूछताछ कर रही थी और उन्हें कुछ आम लोगों द्वारा पता चल गया था कि क्लाटू हेलन और जेकब के साथ जंगल की ओर गया है। यहाँ क्लाटू एक जंगल में आकर रुक जाता है। वो हेलन और जेकब को कार में ही छोड़कर घने जंगलों की ओर निकल जाता है। क्लाटू जब बहुत समय तक वापस नहीं आता तो हेलन भी जेकब को कार में छोड़कर उसकी तलाश में जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी एक जगह रुककर वो देखती है कि क्लाटू एक तालाब के किनारे खड़ा था, जहां देखते ही देखते एक छोटा एलियन गोला पानी से बाहर निकल आता है। क्लाटू पानी में चलता हुआ उस गोले के करीब जाता है और जैसे ही उस गोले पर हाथ रखता है तब एक ही समय पर दुनिया भर में मौजूद सारे एलियन गोलों से एक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे आकर्षित होकर धरती और समुद्र में मौजूद सारे जीव जंतुओं की हर एक प्रजातियां उन गोलों के अंदर आकर समाने लगती है। ये देख हेलन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबराई हुई तुरंत भागकर अपनी कार में आ जाती है। यहाँ जेकब को लगने लगा था कि हेलन और क्लाटू एक दूसरे को पसंद करते हैं और हेलन जल्द ही उसे अपने साथ रहने के लिए घर में बुलाएगी। इसी बात पर दोनों में बहस छिड़ जाती है, जिससे जेकब नाराज होकर कार से बाहर निकल आता है। हेलन भी उसे समझाने उसके पीछे पीछे कार से बाहर निकलती है। तभी हेलन और जेकब देखते हैं कि वो एलियन गोला अब जीव जंतुओं को लेकर पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाने लगा था। इसी प्रकार पृथ्वी के अलग अलग देशों में मौजूद सारे एलियन गोले पृथ्वी से बाहर चले जा रहे थे, जिससे बाकी देशवासी ये सोचकर खुशियां मना रहे थे कि आखिरकार उन्हें एलियन से छुटकारा मिल गया। लेकिन वहीं मैनहट्टन में अब भी डर का माहौल बना हुआ था।
क्योंकि वहां मौजूद बाकी सब एलियन गोलों से बड़ा एलियन गोला तो अब भी ज्यों का त्यों ही था। ये बात पूरी गवर्नमेंट की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसी बीच उधर दूसरी ओर क्लाटू वापस हेलन के पास आता है और उसे दोबारा शहर की तरफ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हेलन जेकब को कार के अंदर भेजकर क्लाटू से कहती है कि वो उसका असली मकसद जाने बगैर उसे कहीं भी नहीं ले जाने वाली है। इस पर क्लाटू उसे सच्चाई से अवगत कराते हुए कहता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह सिर्फ कुछ ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें जीवन संभव है। उनकी एलियन सभ्यता ऐसे ही ग्रहों को बचाने की मुहिम में जुटी है, लेकिन यहाँ पर तो इंसान लगातार पृथ्वी को प्रदूषित करके उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे जल्द ही ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हालांकि वे लोग काफी समय से अपना सब्र बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि इंसान अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति बदलेंगे और पृथ्वी पर जीवन के महत्व को समझेंगे, लेकिन ये इंसान लगातार पृथ्वी को और ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब पृथ्वी से इंसानी प्रजाति को ही खत्म करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अगर पृथ्वी नष्ट हुई तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अभी इंसानों को ही खत्म कर दिया तो पृथ्वी नष्ट होने से बच जाएगी। क्लाटू का ये विनाशकारी प्लान सुनकर हेलन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो क्लाटू के आगे गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि अगर एलियंस इंसानों को एक मौका दें तो इंसान बदल सकते हैं और पृथ्वी को बचाने की मुहिम में उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन क्लाटू हेलन की इस विनती को कान में बैठी मक्खी की तरह हवा में उड़ा देता है। तभी इतने में ही क्लाटू को ढूंढते हुए एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है। वो सबसे पहले हेलन और जेकब को क्लाटू से दूर कर देता है। फिर वो क्लाटू को शराफत से अपने दोनों हाथ गाड़ी के ऊपर रखने के लिए कहता है। क्लाटू अपने हाथ गाड़ी पर रखता तो जरूर है, पर वो एक ही झटके में उस गाड़ी से पुलिस वाले को टक्कर मारकर उसकी सारी हड्डियां ही चटका देता है। उस पुलिस वाले को मरते देख जेकब घबरा जाता है और गुस्से में क्लाटू पर चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी क्लाटू उस पुलिस वाले को अपनी दवाई खिलाता है और उसी की कार से एनर्जी लेकर उसे वापस ठीक कर देता है। ये देख हेलन भौचक्की रह जाती है। उसे क्लाटू में अच्छाई की किरण नजर आ रही थी। वो उससे दोबारा इंसानों को बख्श देने का अनुरोध करती है। जवाब में क्लाटू कहता है कि उसने तो एक बार सारे देश के नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी रक्षा मंत्री ने उसकी बात मानने से ही इनकार कर दिया था। इस पर हेलन कहती है कि वो उन लोगों को अपना नेता नहीं मानती। इतना कहकर हेलन क्लाटू का मानवता के प्रति विचार बदलने के लिए उसे प्रोफेसर बार्नहार्ड के पास ले जाती है। प्रोफेसर बार्नहार्ड को बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म यानी कि जीवों की परोपकारिता पर रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। हेलन जेकब को एक कमरे में आराम करने के लिए कहती है और खुद क्लाटू के साथ लिविंग रूम में प्रोफेसर का इंतजार करने लगती है। तभी क्लाटू को प्रोफेसर के ब्लैकबोर्ड पर एक इक्वेशन दिखाई देती है जिसे अब तक पूरी दुनिया में कोई भी सुलझा नहीं पाया था, पर क्लाटू उसे चंद पलों में ही सॉल्व कर देता है। तभी प्रोफेसर भी वहां आते हैं और क्लाटू को उस इक्वेशन को सॉल्व करता हुआ देख दंग रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही एलियन है जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ढूंढ रही है। प्रोफेसर क्लाटू से कहते हैं कि एलियंस की सभ्यता इतनी उन्नत है तो उनके पास इंसानों को पृथ्वी के प्रति समर्पित बनाने के लिए भी कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। इस पर क्लाटू बताता है कि पहले उनकी सभ्यता भी इंसानों से ज्यादा अलग नहीं थी, पर कई साल पहले उनका सूरज मरने के कगार पर आ पहुंचा था, इसलिए वो बदले और उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपनी सभ्यता को विकसित कर लिया। लेकिन इंसान तो कभी खुद को बदलना ही नहीं चाहते, वो तो हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, तो फिर उनके पृथ्वी के प्रति समर्पित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि इस दुनिया में हर सभ्यता बर्बादी के कगार पर आकर ही बदलती है, जैसे कि क्लाटू की सभ्यता में हुआ। इसलिए क्लाटू को इंसानों को भी सुधरने का एक मौका देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी अब बर्बादी की कगार पर आ चुकी है और ये इंसानों के बदलने का समय है। क्लाटू को इंसानों से ये समय छीनना नहीं चाहिए। ये सुनकर क्लाटू भी निशब्द रह जाता है और एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन तब तक दूसरे कमरे में बैठे जेकब को न्यूज पर यह खबर मिल चुकी थी कि क्लाटू पृथ्वी के लिए खतरा है और पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी तलाश में है। इसलिए जेकब तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है। चंद पलों में ही मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्लाटू की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं। उन हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनकर हेलन जेकब और क्लाटू को लेकर वहां से जंगलों की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी जेकब हेलीकॉप्टर को आवाज लगाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे एक सैनिक हेलन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है।
पर दो हेलीकॉप्टर्स अब भी क्लाटू की तलाश कर रहे थे। इससे पहले कि वे हेलीकॉप्टर्स क्लाटू को भी कैद कर पाते, क्लाटू उन्हें अपनी शक्ति से मार गिराता है। ये देखकर जेकब डर जाता है और क्लाटू से दूर भागने लगता है। इसी दौरान जेकब एक पुल से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी क्लाटू उसे बचा लेता है। इससे जेकब को भी यकीन हो जाता है कि क्लाटू एक अच्छा एलियन है। उसके बाद जेकब क्लाटू को उसे घर पर छोड़ने के लिए कहता है और वो दोनों शहर की ओर निकल जाते हैं। उधर दूसरी ओर यूएस मिलिट्री को ये पता चला था कि एलियन रोबोट तब तक हमला नहीं करता जब तक उस पर कोई हमला ना करे, इसलिए वे लोग सावधानी से उसे एक चैम्बर में बंद करके भूमिगत सुरंग के जरिए माउंट वेदर फैसिलिटी में ले आते हैं, जो अमेरिकी सरकार का एक स्पेशल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है। वहां पर मिलिट्री रोबोट पर हीरे लगे ड्रिल से उसके शरीर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हीरा भी एलियन रोबोट के मजबूत शरीर को भेद नहीं पाता, बजाय इसके उनकी ड्रिल मशीन ही खराब हो जाती है। वे लोग उस मशीन को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को अंदर भेजते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोबोट के शरीर से कुछ छोटे धातु के बने कीड़े बाहर निकलकर ड्रिल मशीन को खाने लगते हैं और अगले ही पल वो कीड़े उस मैकेनिक के शरीर में भी घुस जाते हैं। वे कीड़े उस मैकेनिक को तड़पा तड़पा कर मारने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा अधिकारी उसे चैम्बर से बाहर निकालने के बजाय चैम्बर को ही आग के हवाले कर देते हैं। हालांकि इससे भी रोबोट का बाल तक बांका नहीं होता। तभी देखते ही देखते रोबोट अनगिनत धातु के कीड़ों में बदल जाता है और वे कीड़े कांच के चैम्बर से बाहर निकलकर वहां मौजूद सारे इंसानों का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। उसके बाद वे कीड़े लोहे के मजबूत दरवाजों को भेद कर उस भूमिगत सुरंग से भी बाहर निकल आते हैं, जिसे देख मिलिट्री के जवान उन पर अपनी बंदूकों और टैंक से हमला करते हैं, लेकिन उनके हमले का उन कीड़ों पर कोई असर नहीं होता। वे कीड़े विशाल मधुमक्खियों की झुंड की तरह आसमान में उड़ते हुए सारे इंसानों और उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों को तबाह करने लगते हैं। वो हर चीज जो उन कीड़ों के संपर्क में आती थी वो भी उन कीड़ों में तब्दील हो जाती थी और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वे कीड़े पूरी पृथ्वी पर फैलकर पृथ्वी के हर कोने से मानव जाति का अंत करने निकले थे, जिन्हें रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं था। ये खबर जब रक्षा मंत्री तक पहुंचती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वे लोग मानव जाति को एलियन से बचाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके थे। हालांकि इस बीच हेलन ने रक्षा मंत्री को बताया था कि वो क्लाटू का मन बदलकर इंसानियत को खत्म होने से बचा सकती है। रक्षा मंत्री के पास हेलन की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रक्षा मंत्री क्लाटू को मनाने के लिए हेलन को उसके पास भेजती है, जिसमें माइकल भी हेलन का साथ देता है। उधर दूसरी ओर जेकब और क्लाटू घर पहुंचते हैं। जेकब हेलन को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन वो फोन बंद आ रहा था। तब क्लाटू अपनी शक्ति की मदद से उस फोन को शुरू करता है और जेकब को देता है। जेकब हेलन को कॉल करता है और फिर वे लोग जेकब के कहने पर एक खास जगह पर मिलने का तय करते हैं। वो जगह एक कब्रिस्तान थी जिसमें जेकब के पिता की भी कब्र थी। जेकब ने ये जगह इसलिए चुनी थी ताकि वो क्लाटू की मदद से अपने पिता को जिंदा कर सके, क्योंकि उसने पहले भी क्लाटू को उस पुलिस वाले को जिंदा करते देखा था। लेकिन क्लाटू उससे कहता है कि ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, कि इस दुनिया में कोई भी लोग कभी नष्ट नहीं होते, बस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। ये सुनकर जेकब भावुक हो जाता है। इतने में ही हेलन और माइकल वहां पहुंच जाते हैं। हेलन सहृदय जेकब को गले लगा लेती है और उसे समझाते हुए कहती है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसी वक्त जेकब को भी उसकी गलती का एहसास होता है और वो हेलन को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें देख क्लाटू को भी अब प्यार का मतलब समझ आ गया था और वो इंसानों को एक मौका देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्लाटू को अपने गोले तक पहुंचना जरूरी था। इसमें माइकल उनकी मदद करता है और उन्हें अपनी गाड़ी से गोले की तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री को राष्ट्रपति से कोई गुप्त निर्देश मिलता है, जिसके बाद रक्षा मंत्री हरकत में आ जाती है। इतने में ही माइकल क्लाटू को शहर से ले जाता है, पर रास्ते में उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है। क्लाटू के कहने पर माइकल बगैर अपनी गाड़ी रोके सीधे चेक पॉइंट को तोड़कर गाड़ी भगाता है। इस वजह से मिलिट्री की गाड़ियां भी उनके पीछे पड़ जाती हैं। हालांकि तभी मिलिट्री वालों को गाड़ी को आगे जाने देने का ऊपर से आदेश मिलता है, इस कारण वे लोग उनका पीछा छोड़ देते हैं। पर तभी हेलन को एक बात खटकती है। वो देखती है कि पूरी रोड खाली है, कहीं कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है।
इस वजह से हेलेन को कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था। वो माइकल को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर इससे पहले कि माइकल गाड़ी रोक पाता, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार रक्षा मंत्री गोले पर फाइटर जेट से हमला करवा देती है। कई सारे फाइटर जेट्स उस गोले पर और उसके पास के एरिया पर हमला कर देते हैं। माइकल की कार भी उस एलियन गोले के काफी करीब पहुंच चुकी थी। इस वजह से हमले में माइकल की गाड़ी भी धराशाही हो जाती है। इस हादसे में माइकल गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। वक्त कम होने की वजह से क्लाटू, हेलेन और जेकब तुरंत उस गोले की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी इतने में ही वे कीड़े भी उन तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख क्लाटू हेलेन और जेकब को एक पुल के नीचे ले आता है। लेकिन तब तक कुछ कीड़े हेलेन और जेकब के अंदर घुसकर उन्हें धीरे धीरे मौत के आगोश में ले जाने लगे थे। ये देख हेलेन क्लाटू से जेकब को बचा लेने की विनती करती है। क्लाटू एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, पर आखिरकार क्लाटू उन कीड़ों को अपने अंदर लेकर उन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद क्लाटू अपना बलिदान देकर कीड़ों के झुंड के साथ होता हुआ गोले तक पहुंच जाता है और उसे छूकर एक ऊर्जा प्रवाहित करता है, जिससे वे सारे कीड़े मरकर जमीन पर बिखर जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्लाटू भी विलुप्त हो जाता है। हालांकि क्लाटू से मिली इस जीवन दान की कीमत पूरी मानव जाति को अपनी बिजली और सारी टेक्नोलॉजी खोकर चुकानी पड़ती है, जो उन्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी है, और उन्हें सिर्फ प्रकृति से तालमेल बनाकर ही जिंदगी जीना है। इसी चेतावनी के साथ वो एलियन गोला पृथ्वी से वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी ने आपके अंदर भी पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने और दूसरों के प्रति दयालु होने की प्रेरणा जगाई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि शॉर्ट फ्लिक्स की आने वाली वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। धन्यवाद।